तो फ्रेंड चलिए आज की वीडियो हम जानते हैं कि काइन मास्टर में वीडियो जब आप एडिट करते हैं तो उसको अपने फोन की गैलरी में कैसे सेव कर सकते हैं। यहाँ पे आप प्लस वाले साइन पे क्लिक करके जो है इस तरह से रेशियो सेलेक्ट कर लेते हैं और जब वीडियो आप अपना एडिट करते हैं और इस तरह से जब आपका एडिटिंग पूरा हो जाता है तो यहाँ पे समझ नहीं आता है कि कहाँ से जो है उसको गैलरी में सेव करना है ताकि जो है आप उसको शेयर कर सकते हैं कर सकें और YouTube में अपलोड कर सकें। तो इस तरह से जब एडिटिंग आपका हो जाता है तो आपको क्या करना है कि दाहिने साइड में अभी जो नया काइन मास्टर है उसमें जो है राइट साइड में जो है यहाँ पे मीडिया के ऊपर में एक जो है ऑप्शन है एग्जिट बटन जैसा, जिस पे हम क्लिक करेंगे तो भी इस वीडियो के बाहर चले जाएंगे। तो उस पे क्लिक कर देना है और उस पे क्लिक करते ही देखिए यहाँ पे जो है आपको तीन चीज़ सेट करने का ऑप्शन आता है, रिजोल्यूशन, फ्रेम रेट और बिट रेट सेलेक्ट करना है। तो समझ में नहीं आ रहा है कितना क्या रखना चाहिए, तो रिजोल्यूशन अगर आप यूट्यूब वीडियो अपलोड करना चाहते हैं, यूट्यूब वीडियो में अगर जो है अपलोड करना है तो आपको रिजोल्यूशन जो है यहाँ पे HD रख दीजिए, फुल HD रखेंगे तो और अच्छा होगा, लेकिन आपका MB भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है वीडियो का, है ना। तो HD रखिए, फ्रेम रेट 60 रखिए और बिट रेट को जो है 5 से 8 के बीच रखिए। फुल कर देंगे तो वीडियो तो क्वालिटी और अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन जो है MB भी है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसको जो है 5 से 8 के बीच में रखिए, अच्छा क्वालिटी मिलेगा। रिजोल्यूशन HD रखिए और फ्रेम रेट 60 रखिए। अगर आपके जो है काइन मास्टर में फ्रेम रेट 60 का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो वो भी मैं लास्ट में बता दूंगा कैसे करना है 60, है ना। तो अभी जो है इतना रिजोल्यूशन सेट करने के बाद, सारा चीज़ सेट करने के बाद जो है यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है तो इस पर क्लिक कर देंगे। एक्सपोर्ट पर क्लिक करते ही देखिए रेड लाइन चलना चालू हो जाएगा। जब ये रेड लाइन पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो वो वीडियो जो है आपके फ़ोन के गैलरी में सेव हो जाएगा और फिर जो है आप उस वीडियो को आप जहाँ मन तहाँ वहाँ शेयर कर सकते हैं और YouTube में अपलोड कर सकते हैं। चलिए तो फिर जो है आप पूरा ऐसे कर लीजिएगा और आपको बता दें कि जो है फ्रेम रेट 60 वाला ऑप्शन कहाँ से लाते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है ये सेटिंग पे जाना है, सेटिंग पे जाने के बाद देखिए माय इन्फॉर्मेशन वगैरह बहुत सारा ऑप्शन है तो सबसे नीचे जाना है एडवांस एंड एक्सपेरिमेंटल सेटिंग में। तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है अलाउ एक्सपोर्ट फ्रेम रेट अप टू 60 FPS, है ना, 60 फ्रेम रेट पे जो है अलाउ करना है FPS पे। तो इसका अगर आपका ऑफ है तो उसको ऑन कर देना है तो आपका 60 आ जाएगा। तो इस तरह से जो है काइन मास्टर में एडिट करने के बाद वीडियो को गैलरी में सेव किया जाता है।